हेलो लेडीज एंड जेंटमैन नमस्कार सत सलाम दिस इज अमित कपूर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग सोलर सिस्टम इवेंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन फोर्टीन दिसंबर 2020 दैट इज सोलर इक्लिप बहुत सारे मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि सोलर इक्लिप का इफेक्ट मून साइन या सेंडस के हिसाब से कैसे होगा और कौन से साइन में सोलर इक्लिप लग रहा है क्या टाइमिंग है इस इक्लिप की तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके डिमांड पर बना रहा हूँ जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सारी क्लैरिटी देने की कि जो सोलर इकलिप 14 दिसंबर 2020 को लग रहा है ये सबसे बड़ी खगोलीय घटना है यानी कि सोलर सिस्टम का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स गोइंग टू हैपन ऑन फोर्टीन दिसंबर ट्वेंटी सबसे पहले तो मैं आपकी एक कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा बहुत कन्फ्यूज़न दो हैं इसमें सबसे पहली कन्फ्यूज़न ये है कि लोग ये समझते हैं कि जब सोलर इक्लिप होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कितनी देर तक होता है तो उनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि दो महीने तीन महीने एक महीना एक दिन तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब सोलर इक्लिप होता है जैसे ये फोर्टीन दिसंबर 2020 को हो रहा है तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो टेंथ जून 2021 के सोलर इक्लिप तक रहेगा यानी कि जो नेक्स्ट सोलर इक्लिप है 2021 का वो टेंथ जून 2021 को है तो जो फोर्टीन दिसंबर का सोलर इक्लिप हो रहा है उसका जो इफेक्ट है ट्वेंटी टेंथ जून ट्वेंटी के सोलर इक्लिप तक रहेगा छह महीने तक एक सोलर इक्लिप का इफेक्ट रहता है सबसे पहली बात दूसरी बात काल पुरुष की कुंडली के एट्थ हाउस में यह क्लिप होने जा रहा है यानी कि स्कॉर्पियो साइन में चेष्टा नक्षत्र में यह क्लिप होने जा रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी बात लोगों के अंदर ये भी भावना है कि अगर ये सोलर एक्लिप्स पोज करें साउथ पैसिफिक ओशन में दिख रहा है अमेरिका में दिख रहा है चिली में दिख रहा है अर्जेंटीना में दिख रहा है तो आ, कुछ लोग ये कहेंगे ये इंडिया में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है देखें चाहे ये साउथ पैसिफिक ओशन में दिखे चाहे अमेरिका में दिखे चाहे चिली में दिखे ले वहां पर जहां पर ये विजिबल है वहां पर हंड्रेड परसेंट सोलर से इक्लिप का इफेक्ट होगा और लेकिन जहां पे नहीं दिख रहा सपोज करें अगर इंडिया पाकिस्तान में नेपाल में एशिया में नहीं दिख रहा स्पोज करें अगर किसी कंट्री में नहीं दिख रहा वहां पर भी उसका 50 परसेंट इफेक्ट जरूर होगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन फॉरिंग दिसंबर ट्वेंटी सो यू नीड टू नो कमिंग मंथस विल नो क्यू विप ऑफ परफॉर्मेंस यू विल सा इन यूर लाइफ विद टाइप ऑफ इवेंट्स यू विल फील लाइक आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है तो अगर आप मेरी ये प्रडिक्शन को पहले तो मैं आपको टाइमिंग भी बताऊँगा सबसे पहले प्रडिक्शन स्टार्ट करने से पहले इसका जो तो टाइमिंग है फोटीन दिसंबर सेवन थ्री पी एम से लेकर फिफ्टीन दिसंबर ट्वेल्व ट्वेंटी टू एम तक है सेवन थ्री पी एम फोटी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ए एम फिफ्टीन दिसंबर तक का सोलर इक्लिप uh, का टाइमिंग है अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ये साउथ पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका चिली अर्जेंटीना में विजिबल होगा अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जो प्रडिक्शन देने जा रहा हूँ अगर आप इसको मून साइन के अकॉर्डिंग सुनेंगे क्योंकि ये प्रडिक्शन सोलर इक्लिप पे है तो ये आपके ऊपर मून साइन को बेस बनाकर सुनेंगे तो भी आपके ऊपर अप्लाई होगा ज़्यादा अप्लाई होगा 90 परसेंट अप्लाई होगा और अगर आप असेंडस को बेस बनाकर सुनेंगे तो ये आपके ऊपर 60 परसेंट इसके इफेक्ट्स रहेंगे सुखा so इस बात करते हैं सबसे पहले एरिस असेंडस की एरिस असेंडस आपके लिए ये क्लिप होने जा रहा है uh, 14 दिसंबर 2020 को आपके एट्थ हाउस में यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विद अदर्स आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख के चलें अपने बड़ों की इज्जत करें अपने बड़ों के साथ तलखी मत दिखाएं अपने ईगो को अपनी अलमीरा में रखें घर की बिना ईगो से सारे काम करें इस समय रहेगा जब छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट आपका हो सकता है या हेल्थ इश्यूज आपके हो सकते हैं और आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं फोर्टीन दिसंबर से चाहे डायनेमिक्स चाहे महादशा अंतरदशा अपने फेवर में होगी वो सब अलग चीज़ है लेकिन सोलर इक्लिप एक अलग इवेंट है जो मेजर इवेंट है क्योंकि सन इज अ किंग ऑफ द ऑल प्लेट सन इज अ किंग ऑफ द सोलर सिस्टम तो एरिस सबसे पहले तो आप अपनी जुबान की ओर ध्यान दें किसी को गलत ना बोलें रिस्पेक्ट दें ऑनर दें दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आप कोई भी किसी किस्म का रिस्क ना लें अपने बिजनेस प्रोफेशन को लेकर जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें बहुत जरूरी है एरिस आपके लिए अब बात करते हैं टॉरस असेंडस की टॉरस असेंडस आपके लिए टॉरस असेंडस या मून साइन दोनों के लिए है ये टॉरस असेंडेंस या मून साइन आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है क्योंकि आपके असेंडेंस और मून से एट्थ हाउस में सोलर इकलिप होने जा रहा है यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी रहेगी जॉब में अगर कोई दिक्कत आ रही है वो दूर होगी लेकिन मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है या अगर मैरिड हैं तो उनके मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है दिस टाइम विल क्रिएट सम हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल लाइफ यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विथ दाउस गिव सम लव एंड अटेंशन टू योर वाइफ wife or husband. रिश्ता बहुत कीमती है हस्बैंड वाइफ का एक बार जो चीज़ हाथ से चली जाए वो दोबारा लौट के नहीं आती तो अगर आप मैरिड हो अपने रिश्ते को संभाल के चलें खामोशी से चलें सिचुएशन को समझें सिचुएशन को परखें और जॉब प्रोफेशन को लेकर टॉरस मून और टॉरस असेंडेंस आपके लिए ये अच्छा है किसी किस्म की आपको कोई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा इवन यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट ग्रोथ भी आपको मुझे दिखती हुई मिलती है अब बात करते हैं जर्मनी की जर्मनी सेंडेस आपके लिए सिक्स हाउस में होने जा रहा है तो अगर आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व है तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा है वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी यू विल बी मच रिलीफ एंड रिलैक्स दिस टाइम विल गई गिव यू लॉट ऑफ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन यू विल आल गुड मनी इफ़ यू वांट टू सेटल इन फॉरेन लैंड दिस इज़ वेरी गुड टाइम जर्मनी सिक्स हाउस में यहाँ पर एकप होना नो डाउट जुपिटर सेटर्न आपके एट्थ हाउस में वो अलग कंसेप्ट है प्लैनेट्स का अलग कंसेप्ट है सन इज किंग ऑफ द प्लैनेट्स आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑन फोटीन दिसंबर ऑन सोलर इक्लिप सोकाइज अगर आप जर्मनी है असेंडस हैं या मूनसाइन है तो आपके सिक्स हाउस में ये होने जा रहा है तो आपको काफ़ी चीज़ों में निजात मिलेगी अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल सकती है अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा है वो ठीक हो जाएगा अगर कोई बीमारी ठमारी है वो ठीक होगी यहाँ पर आपको कुछ अच्छे फ्रूट्स इस एकप्स के मिलेंगे और आपको डेफिनेटली आ, मेंटल पीस भी मिलेगा अब बात करते हैं आ, कैंसर असेंडस या कैंसर मून साइन की कैंसर असेंडस कैंसर मून साइन आपके फिफ्थ हाउस में एकप होने जा रहा है सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ जो है वो कुछ बेटर हो सकती है इसमें कोई डाउट नहीं है समवन न्यू एंटर इन योर लाइफ फ्रॉम फोर्टीन दिसंबर लेकिन जो लेडीज प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये क्लिप ज्यादा अच्छा नहीं है अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चले बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखें क्योंकि ये क्लिप आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है अब बात करते हैं लियो लियोसेंडस की लियोसेंडस आपके फोर्थ हाउस में यह क्लिप हो रहा है आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलें अपना अपने मदर के साथ रिलेशनशिप का मदर की हेल्थ का और अपने बिजनेस में कोई नई डील ना साइन करें अभी थोड़ा सोच समझ के चलें कोई नया रिस्क ना लें ये टाइम ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है मेंटल स्ट्रेस और मेंटल टेंशन आपको रह सकती है यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड यूर वर्क विल बी डिले सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट यू मस्ट टेक ब्लैसिंग ऑफ यूर फादर इट विल भी एक्ट लाइक एफ सक्सेसफुल यू अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहे पॉजिटिव अप्रोच में चले थोड़ा सा टफ रहेगा मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी रहेगी चीजें वैसी ना होंगी जैसी आप एक्सपेक्टेड हो परफॉर्मेंस आप वैसी ना दे पाओगे जैसी आप अपने आप अप से एक्सपेक्टेड हो सो लियो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विद योर हेल्थ ऑफ योर मदर विल मैटर ऑफ कंसर्न योर मेंटल पीस इज डिस्टर्ब योर होमली एटमोस्फेयर विल बी इफेक्टेड अब बात करते हैं वर्गो की वर्गो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा इसमें तो कोई दो राय नहीं है करेज कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ आ, अच्छा खासा फायदा भी हो सकता है जो लोग आईटी से रिलेटेड काम करते हैं इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं उनके लिए क्लिप अच्छा है वर्गो आपके लिए लेकिन कहीं ना कहीं अननेसेसरी बल्डन आपको मिलेगा या वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा जिस वजह से आप थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करेंगे ओवरऑल वीरको आपके लिए ये बुरा नहीं है यहां पर आपको अच्छे बेनिफिट्स ही मिलेंगे इस क्लिप के एंड यू आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड बेटर अब बात करते हैं लिब्रा की लिब्रा आपके लिए सेकंड हाउस में होने जा रहा है क्लिप तो सबसे पहले है अपने पेरेंट्स के साथ बना के रखें क्योंकि फैमिली के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या फैमिली के साथ आप फैमिली से दूर जा सकते हैं आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं या हो सकता है कि किसी कारण प्यार से चले जाए या लड़ाई झगड़ा करके चले जाए फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा यहाँ पर लिब्रा लेकिन फाइनासिस आपके एवरेज रहेंगे ठीक रहेंगे किसी किस्म की कोई टेंशन बनती हुई फाइनास को लेकर नहीं दिखती ईटिंग

जो आप मेडिसिन पे रहो फिर तो आप अपना बहुत ध्यान रखें जिम योगा करें सुबह जल्दी उठें मेडिटेशन करें अपने आप को थोड़ा टाइम दें रनिंग करें वॉकिंग करें यू नो गाइस अकलिप सन इज हैम्ड बिटवीन राहु केतु इन योर फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो इन ज्येष्ठा नक्षत्र इट इज नॉट अ गुड इवेंट फॉर यू यू नीड टू बी केयरफुल यू विल बी इन अ ग्रेट स्ट्रेस और टेंशन विदाउट एनी रीजन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आप बहुत मानसिक तौर पे परेशानी फील करेंगे या कुछ ऐसा होगा जो आपको प्रेशर में डालेगा स्कॉर्पियो ये समय रहेगा जब आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलना है अपनी हेल्थ का तो बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है अपने माइंड का थोड़ा सा रखना है डिप्रेशन में नहीं जाना नेगेटिव थाट्स को नहीं लाना लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो ये इवेंट निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे इट विल डेफिनेटली क्रिएट आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अब बात करते हैं सेडिटेरियस की सेडिटेरियस आपके लिए जो इक्लिप है ट्वेल्थ हाउस में होने जा रहा है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रह सकते हैं अगर आपको लिटिगेशन में इन्वॉल्व है तो यहाँ तक जेल यात्रा के योग जेल यात्रा तक के जो योग बनते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के योग बनते हैं सेडिटेरियस मून और सेडिटेरियस असेंडेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं नीड टू बी केयरफुल वाइल्ड डीलिंग विद अदर्स वाइल्ड टॉकिंग विद अदर किसी के फंड में टांग ना अड़ाए अपने काम से काम रखें किसी के कि साथ उलझे ना बैसे ना ट्वेल्थ हाउस में सोलर इक्लिप होने जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ सोलर सिस्टम इट इज नॉट गुड फॉर यू सेटेरियस सेटेरियस अगर आपका है तो भी आप परेशानी में रहोगे अगर आपका मून साइन है सेटेरियस तो भी आप परेशानी में रहोगे कि आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स राइज होंगे और आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसका एक्सपेंडिचर्स आप पे कर रहे हो आप खुद हो सकते हो आप अपना ध्यान रखें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें सेनेटेरियन से टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के चलने की जरूरत है और किसी किस्म का रिस्क इस पीरियड में ना लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अदरवाइज यू विल फेस लिटल बिट स्ट्रेस टेंशन हडल्स अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की कैप्रिकॉन आपके लिए इलेवंथ हाउस में होने जा रहा है तो कुछ इवेंट्स लेकर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी डेवलप होगी लेकिन किसी दोस्त किसी नियर डियर के साथ कुछ तलखी हो सकती है कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है जो आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा बट ओवरऑल दिस ट्रांजिट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद हायर अथॉरिटी

अब बात करते हैं एक्वेरियस की एक्वेरियस बिजनेस में कोई नई डील ना करें बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें टाइम आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है टेंथ हाउस में क्लिप होने जा रहा है आपका कोई डीफेम भी हो सकता है आपके कंपिटेटर्स आपके ऊपर हावी रह सकते हैं आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे बिजनेस प्रोफेशन को लेकर या फादर की हेल्थ को लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं तो आप अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें आप बिल्कुल इस समय में आप कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसको चलने दें किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो नहीं तो आपकी इज्जत पे खतरा है यानी कि आपकी इज्जत पे दाग लग सकता है यू नीड टू बी केयरफुल अब बात करते हैं पाइसिस असेंडस की पाइसिस असेंडस या मून साइन की आपके नाइन्थ हाउस में ये होने जा रहा है फॉर्चून आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा चीजों में डिले होगा जो आप चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे अगर आप फॉरेन प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेसफुल जरूर आप सक्सेस हो जाओगे फॉरेन पी या वर्क परमिट आपको मिल सकता है यू विल गेट वेरी गुड एडवांटेज रिलेटेड टू फॉरन एक्टिविटीज बट ओवरऑल योर फॉर्चून इज वेरी स्लो यूर नॉट इन अ कम्फर्ट जोन योर फादर हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड हैप्पी यू फीलिंग वेरी लो एंड डाउन सो so, इसी क्लिप में मैंने सब असेंडेंस और मून साइन के बारे में बताया है दोस्तों अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपको वो कुछ ना कुछ बांट रहे हैं अपना ज्ञान अपना हुनर बांट रहे हैं कुछ ऐसे हैं जिनको गॉड गिफ्टेड है तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करें आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी का भी वीडियो देख रहे हैं और जो वो आपको बता रहे हैं उसको सीरियसली लेके चले आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव होना है तो वो नहीं होगा कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके घर चोर आने से रोक नहीं सकता लेकिन आपको अलर्ट कर सकता है भैया चोरी होने वाली है तो आप अपनी सेविंग्स अपना पैसा लॉकर में रख दो या किसी दोस्त को दे दो या कहीं पर भी गुप्त स्थान पर रख दो कि आपका नुकसान ना हो चोर आएंगे चोरी होगी लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी इज लाइक दिस तो अब आते हैं क्लिप पे एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो 14 दिसंबर 2020 को क्लिप हो रहा है इस क्लिप में दोस्तों जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो किसी किस्म का इस समय में कुछ भी काटे ना कुछ भी बनाए ना किचन का काम ना करें यानी 14 दिसंबर सेवन थ्री टू ट्वेल्व एम सूतक पहले लग जाता है या पंद्रह तारीख सुबह तक सूतक चलेगा समझ लें आप तो चौदह तारीख दोपहर से लेकर पंद्रह तारीख सुबह तक प्रेग्नेंट वूमस ने कुछ काटना नहीं है कुछ कैंची का चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है कोशिश करें किचन के काम ही ना करें कोशिश करें इस समय में ओम नम शिवाय का जाप करें ओम गणगण पताये नमा का जाप करें इस समय में जितना ज्यादा वर्शिप कर लेंगे अपने घर में बैठकर सनलाइट्स में ना जाएं दोपहर से ही फोर्टीन दिसंबर दोपहर कोई अपने घर में रहें बहुत जरूरी है तो बहार निकलें नहीं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स इस समय में घर से बाहर ना जाए चाहे वो दोपहर है चौदह दिसंबर की चाहे रात है चाहे पंद्रह दिसंबर की सुबह सात बजे तक आप लोग अपने घर में रहें घर में रह के जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी उपासना करें और ये सोलर इक्लिप मैं उम्मीद करता हूं आप सबके लिए ये मेरा वीडियो आपको कुछ डायरेक्शन देने में मैं कामयाब रहूंगा और अगर कामयाब रहा तो आई फील वेरी ब्लेस्ड और आप लोग यार अपना ध्यान रखें पॉजिटिव रहें आगे बढ़ते रहें सोलर uh, सिस्टम में कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं इससे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी नेगेटिव होगा वो हमें कुछ सिखा के जाएगा सो यू नीड टू बी केयरफुल और अलर्ट और एक चीज़ मैं और बोलूंगा इस क्लिप में ह्यूमैनिटी को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट थोड़ा सा टेंशन थोड़ी सी परेशानी रहेगी क्योंकि एटथ हाउस में ये क्लिप काल पुरुष की कुंडली में होने जा रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज में आपस में तलखी हो सकती है लड़ाई लगने जैसे यू नो माहौल बन सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज uh, अपनी अपनी कैपिटल को लेकर बहुत अलर्ट हो जाएंगे या आप सुनेंगे ऐसी बड़ी न्यूज़ आप सुनने वाले हैं फिर से 14 दिसंबर के बाद कि इस कंट्री का उस कंट्री से तलखी हो रहा है लड़ाई हो रहा है या पंगा हो रहा है या कुछ भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो ह्यूमनिटी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं uh, सुनामी आना Uh, अर्थ को आना या कहीं बाढ़ आ जाना बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना तो ये जो एक क्लिप है फोर्टीन दिसंबर को ये कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत अच्छे इवेंट्स नहीं लेकर आ रहा सो अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करें डिज़ाइन करें अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें अपना ध्यान रखें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्कार जय हिंद